हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन अब स्टार्ट हो चुका है और आज हम मेनली कवर करेंगे 24th ऑफ जुलाई और 25th ऑफ जुलाई के अभी तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपडेट्स है, उनको कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से मंडे टू सैटरडे हम ये शो आपके लिए लेके आते हैं, जबकि संडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस या यूपीएससी एग्जाम की, तो उसके अंदर पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके, इसीलिए हम ये जो है शो आपके लिए लेके आते हैं। तो आपको करना क्या है इसके लिए, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल भी आप अगर प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी मिलता रहेगा। इसके अलावा भी हमने एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करी हुई है, तो वो भी वीडियोस आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का अपडेट है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन अटेंडेड एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग है उनको डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल अटेंड किया था। तो उन्होंने उसमें क्या बातें कही उसके बारे में जान लेते हैं। सो द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन अटेंडेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग एंड हाईलाइटेड इंडियाज एफर्ट टू कॉम्बैट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। और इंडिया ने अब तक क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इसके वायरस को के स्प्रेड को रोकने के लिए, वो उन्होंने वहां पे बातें रखी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाउ इंडिया अंडरटूक कोविड-19 चैलेंज विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, वेयर प्राइम मिनिस्टर पर्सनली मॉनिटर्ड द सिचुएशन एंड एंश्योर्ड अ प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिव एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स। तो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने पूरी सिचुएशन को खुद पर्सनली मॉनिटर किया, और आपको पता भी है कि कई बार प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए देश के नाम संदेश भी है, और उन्होंने प्रोएक्टिव प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड रिस्पांस जो भारत की तरफ से रहा उन्होंने इसके बारे में बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि एक न्यू सब ग्रुप बनाना चाहिए ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल मीटिंग्स ऑफ एससीओ हेल्थ मिनिस्टर। तो एक और सब ग्रुप बनाना चाहिए ताकि जो मेडिसिन है उसके भी प्रोसेस को और स्पीड अप किया जा सके। और अब आपको पता है जैसे जैसे अब टेस्टिंग भी बढ़ रही है आपको पता है इंडिया के अंदर, और तो वायरस का स्प्रेड भी अगर आप देखेंगे अब लगातार बढ़ ही रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन और इसकी मेडिसिन आ जाएगी। ठीक है, तो ये उसका देखिए विजुअल है जब हर्षवर्धन जी जो है अटेंड कर रहे थे इस मीटिंग को। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ई कॉमर्स कंपनी। अभी देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया ही था इस सेशन में ही कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको जो है चेंजेस करके जो है नया लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही जो है एनफोर्स किया गया है। तो उसके अंदर जो है देखिए ई कॉमर्स कंपनी के लिए भी कुछ रूल्स हैं नए जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ई कॉमर्स कंपनीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आपको पता है देखिए इस टाइम पे आजकल बहुत सारे खासकर जो बड़ी सिटीज में रहते हैं वो ज्यादातर शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ही करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स इट इज नाउ मैंडेटरी टू डिस्प्ले द कंट्री ऑफ ओरिजन ऑन देयर प्रोडक्ट स्टेटिंग दैट एनी नॉन कंप्लायंस विल अट्रैक्ट पिनल एक्शन। यानी आप जो भी देखिए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने पोर्टल पे उसका कंट्री ऑफ ओरिजन क्लियरली मैंशन होना चाहिए कि किस कंट्री का ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, और ना करने पे देखिए जो है एक्शन भी लिया जाएगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स जो है 2020 वो बेसिकली इसी का ही पार्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। क्योंकि देखिए आपको जैसे मैंने बताया आजकल बहुत सारे लोग जो है शॉपिंग वो ऑनलाइन ही करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मेंशन करनी है, उसका प्राइस, उसकी एक्सपायरी डेट अगर कुछ ऐसा है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू कि जितनी कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, जो बतानी चाहिए, वो सारी डिटेल्स जो है वहां पे मेंशन होनी चाहिए। और इस न्यू नॉर्म के अकॉर्डिंग जो है इट विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर बाय एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो अगर कोई भी इसमें डिस्प्यूट अगर आता है तो उसके रिगार्डिंग जो है टाइमली और इफेक्टिव जो है स्टेप्स भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए जाएंगे। ऐसा देखिए कई बार देखा गया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो वो देखिए कोई दूसरा आ जाता है उसकी जगह, या अगर वो फेक आता है, ठीक है ना, डुप्लीकेट आता है, तो उस केस में भी जो है अब अच्छे तरीके से जो है मतलब और ज्यादा स्ट्रिक्टली जो है एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब नया देखिए इसमें है इंडिया और इसराइल जो है दोनों ने देखिए आपस में कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इन अंडर 30 सेकंड्स। यानी 30 सेकंड के अंदर ही किसी का भी अगर देखिए कोविड-19 टेस्ट किया जाता है तो उसका रिजल्ट आ जाए, इसको लेके जो है देखिए काम चल रहा है। इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। सो इंडिया एंड इसराइल
will work together to develop a new generation set of COVID-19 tests that aim to bring the entire testing process down to a few seconds. जैसे मैंने आपको बताया 30 सेकंड के अंदर जो है रिजल्ट आ जाए कि पर्सन पॉजिटिव है या नहीं है. इसके लिए देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है इंडिया के अंदर, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसको देखिए मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया पे बड़े लेवल पे और इसे मार्केट करेंगे जॉइंटली इसराइल और इंडिया. ठीक है, और इसके लिए जो है इसराइल ने अपनी हाई लेवल रिसर्च डेलीगेशन जो है वो भी इंडिया में भेजा है, और जिसके लिए वो फाइनल स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग जो है वो इंडिया में कंडक्ट करेगी. क्लियर है. नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उसने देखिए वेव कर दिया है वाटरवे यूजेज चार्जेस जो देखिए पहले लिए जाते थे ताकि इनलैंड वाटर सपोर्ट जो है उसको प्रमोट किया जा सके. सो द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज अनाउंस्ड टू वेव वाटरवे यूजेज चार्जेस टू प्रमोट इनलैंड वाटर सपोर्ट एंड इंक्रीजिंग द इनलैंड वाटरवे ट्रैफिक टू 110 मिलियन टन इन 2022-23. तो 2022-23 तक 110 मिलियन टन का जो है ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो, इसको लेके जो है गवर्नमेंट चाहती है, और इसी के लिए जो है ये वेव ऑफ किया गया है जो चार्जेस पहले लिए जाते थे. और अगर स्टेटमेंट की बात करें जो शिपिंग मिनिस्ट्री ने दिया है उसके अकॉर्डिंग वाटरवे यूजेज चार्जेस जो है उसको कंसीडर किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट विजन जो है इंडियन गवर्नमेंट्स विजन टू प्रमोट इनलैंड वाटरवे एज एन इको फ्रेंडली सप्लीमेंट्री एंड चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ऑब्वियसली बात है ये देखा जा रहा है कि इससे चार्जेस को वेव ऑफ करने से ज्यादा लोग जो है इसको यूज करेंगे इनलैंड वाटरवेज को, क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है और सप्लीमेंट्री और चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, एज कम्पेयर टू जो बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उससे. और चार्जेस की अगर बात करें ये जो है अभी देखिए इनिशियली 3 सालों के लिए वेव ऑफ किया गया है, और उम्मीद है कि देखिए अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं तो वैसी बात है आगे भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है इसके वेव ऑफ टाइम पीरियड को. क्लियर है, और इसे डेवलपमेंट भी उस रीजन के अंदर खासकर वहां पे देखने को मिलेगी. और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है आईपीएल के रिगार्डिंग, यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है. क्योंकि देखिए वैसे तो वो इंडिया में हर साल होता है यही अप्रैल मई के मंथ में, बट इस बार कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से उसको डिले करना पड़ा, और अभी तक क्योंकि इंडिया में तो जैसे आपको पता है लगातार केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो अब डिसीजन लिया गया है जो आईपीएल के चेयरमैन ने बताया कि अब इसे यूएई में कंडक्ट किया जाएगा फ्रॉम सेप्टेम्बर 19 ऑनवर्ड. देखिए यूएई में काफी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में है, वहां पे बहुत ज्यादा टेस्टिंग भी हो रही है, और वहां ज्यादा पॉपुलेशन भी आपको पता इतनी नहीं है, तो इसलिए जो है वहां पे अब कंडक्ट कराने के बारे में सोचा जा रहा है सेप्टेम्बर 19 से ही. और इसके बारे में जो आईपीएल के चेयरमैन है उन्होंने ये बात कही थी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ब्रिजेश पटेल जो है, कि यूएई में सेप्टेम्बर 19 से कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, और ये 51 यानी 51 डेज का ये पूरा क्रिकेट टूर्नामेंट रहेगा. और इसमें देखिए अभी भी देखिए बीसीसीआई की जो गवर्निंग काउंसिल है उसका देखिए अप्रूवल लेना वो भी रहता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, जो देखिए बहुत जरूरी है. ठीक है ना, तभी देखिए ओबेसी बात है जब तक बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल इसमें नहीं मिलता तब तक देखिए ओबेसी बात है इसे कंडक्ट नहीं किया जा सकता. इसके बाद देखिए बाकी कंट्रीज का भी रहेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज अपने प्लेयर्स को खेलने के लिए भेजती है या नहीं भेजती. तो जो भी इसमें देखिए अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा. तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स. और कैसा लगा ये सेशन जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. इसके अलावा अगर मैं बता दूं हमने जो है ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे जो कि www.takshilalearning.com, तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं ताकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो SSC या बैंकिंग जिस भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको हम वो जो है वो क्रैक कर पाए. उसके लिए देखिए हम उन्हें पूरा का पूरा वीडियो कोर्स प्रोवाइड करेंगे प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए. देन इसके अलावा टेस्ट सीरीज देंगे ऑनलाइन मोड में, ई बुक्स रहेंगी स्टडी करने के लिए. ठीक है, 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा कोई भी अगर डाउट है उसके लिए, पूरा का पूरा स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा, तो ये सब चीजें रहेंगी. तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और चैनल को हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए. तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट.